श्री सदगुरुदेव भगवान का ध्यान वंदन करके श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों लोक मंगल की भावना से आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। खाना पीना सोना पशु पक्षी सभी जानते हैं। एक चिड़िया को भी आप देखिए, वो वृक्ष में ही खोद खोद करके अपने बच्चों के लिए स्थान बना लेती है, न बने तो एक एक तिनका लाला करके अपने घोंसला बना लेती है। खाना पीना रहना सोना सब पशु पक्षी जानते हैं, पर भगवत तत्व क्या है, आत्म तत्व क्या है, ये मनुष्य के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा। बहुत कर्म करना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, तत्व को जान लेना। आहार अर्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य। प्रत्येक प्राणी आज भोजन के लिए कर्म कर रहा है। क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। पेट भरने के लिए गोरख धंधे करना पड़ता है, झूठ भी बोलने पड़ते हैं, प्रपंच भी पालने पड़ते हैं। प्रत्येक प्राणी भोजन के लिए कर्म कर रहा है। आहार अर्थम कर्म कुर्यात् मनुष्य। तो किसी ने कहा, फिर आहार क्यों कर रहे हो? आहार के लिए कर्म कर किया जाता है, आहार क्यों करते हो? बोले आहारम कुर्यात् प्राण संधारणार्थम। आहार इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्राणों की रक्षा करनी है। भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? प्राण रक्षा तो आहार से ही होगी ना। अन्नमय कोष है शरीर, अन्न नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं रहेगा। अच्छा, तो प्राण रक्षा क्यों करते हो? बोले प्राणा संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम। प्राणों की रक्षा तत्व को जानने के लिए करो। जीवन की रक्षा किस लिए? ये जीवन, अच्छा एक बात बताओ, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीविका के लिए जीवन है कि जीवन के लिए जीविका? अरे जीवन धारण करने के लिए तो जीविका की आवश्यकता है। पर आज स्थिति यह है, जो जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, आज हमने अपना संपूर्ण जीवन जीविका में झोंक दिया। मरणासन्न स्थिति है, 90 साल के हो गए फिर भी दुकान पर अपना जाकर के बैठे हैं और गोरख धंधा कर रहे हैं। क्यों? अरे ये जीवन क्या इसी गोरख धंधे में के लिए मिला था? जो करना था तुम कर चुके, अब जो उनका जिम्मेवारी है उनको करने दीजिए। आपका जो लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तो प्राणा संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम। प्राणों की रक्षा तत्व को जानने के लिए करो। अच्छा, तत्व को जानने से क्या होगा? बोले तत्त्वम जिज्ञास्यम येन भूयो न जन्मः। तत्व को इसलिए जान लो क्योंकि जिस दिन उस तत्व को जान लोगे, उस दिन हमेशा के लिए तुम्हारा जन्म मरण ही समाप्त हो जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के अनादि काल के चक्र में जो आप भटक रहे हो, ये भवाटवी की भटकन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कब? जब उस तत्व को जान लोगे तब। महाराज, ये तत्व क्या चीज है जिसको जानने की आप बात कर रहे हैं? बोले वदन्ति तत्तत्व विदः तत्त्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। तत्त्व विदः एवं तत्त्वम वदन्ति। तत्त्व तो एक ही है, पर उसी तत्त्व को तत्ववेत्ता ज्ञानियों से पूछो तो ज्ञानी कहेंगे उस तत्त्व को कहते हैं ब्रह्म। योगियों से कहोगे तो वो कहेंगे उस तत्व का नाम है परमात्मा। भक्तों से कहोगे तो वो कहेंगे उस तत्व का नाम है भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व तो एक ही है, जैसे पानी है। अब पानी कोई फ्रिज में रख दिया तो बन गया बर्फ, और पानी कोई पात्र में रख करके हांडी पर चढ़ा दिया तो वो बन गया भाप। अब भाप कहो या पानी कहो या बर्फ कहो, वस्तु एक ही है, परंतु एक होने पर भी भेद तो है। ऐसे वो परम तत्व एक होने पर भी उपासकों की दृष्टि में भेद है, स्वाद की दृष्टि से तो भेद है। ज्ञानियों को ब्रह्म में स्वाद आता है,
योगियों को परमात्मा में स्वाद आता है और भक्तों को अपने भगवान में स्वाद आता है। अब भक्तों की भावमयी भावमयी भक्ति भूमि वृंदावन में अब उद्धव जैसे ज्ञानी ब्रह्म का उपदेश लेके चले आए, गोपियों ने फटकार दिए, निर्गुण कौन देश को बांसी, या निर्गुण निराकार का क्या काम, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, इन आंखों ने जिस छल छबीले नट नागर का दर्शन किया है, ये नेत्र उसी छवि के प्यासे हैं, उसके बिन ये नेत्रों को कभी शांति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपना अपना स्वाद है। एक मोटे से दृष्टांत में समझो, आप परीक्षा पास करके आए, मित्रों ने कहा चलो मिठाई खिलाओ, खुशी का अवसर है, तो ब्रजवासी जी की मिठाई की दुकान पर ले गए, बोले जो मर्जी आवे खाओ। अब मिठाई की दुकान है, मिठाई मीठा है, पर कोई कहेगा भाई रबड़ी खाएंगे, कोई कहे नहीं रसगुल्ला खाएंगे, तीसरा बोला नहीं जलेबी खाएंगे। अब चाहे जलेबी खाओ, चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे रबड़ी खाओ, है तो सब मिठाई है, पर मिठाई मिठाई में भी अंतर है। अब कोई जलेबी जो खा रहा है वो कह रहा है रसगुल्ला छोड़ो और जलेबी का आनंद लो, ताजी गर्मा गर्म है, और सब अपने अपनी मिठाई की तारीफ किए जा रहे हैं, मुंह सबका मीठा हो रहा है, परंतु फिर भी कहीं वो आपस में ही लड़ मरे, बोले तुम क्या रबड़ी के चक्कर में पड़े हो, रबड़ी वाला अपनी रबड़ी की महिमा गाए जा रहा है। तो भैया तुम्हें जिसमें स्वाद आवे उसका स्वाद लो, इस झगड़े में मत पड़ो कि तुम रबड़ी खा रहे हो कि रसगुल्ला खा रहे हो कि इमरती खा रहे हो, ये सब मधुरता एक ही है, मधुरता एक है और स्वरूप भेद से उसके नाम भेद हो गए। उसी प्रकार से तत्व एक है, परतत्व एक है, अब तुमको जिसमें जिस रूप से स्वाद आवे उसका स्वाद लो, ब्रह्म में परमात्मा में भगवान में। अब भगवान में भी भेद है, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, भोले बाबा हैं, पार्वती मैया, शक्ति की उपासना, हमारे यहाँ पंच देव प्रमुख माने गए हैं, पंचदेवोपासक स्मारत, जो सभी उपास जो सभी पंचदेवों की उपासना करते हैं वो स्मारत होते हैं। अब जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव, अब शिव के उपासक हैं वो शैव्य, शक्ति के उपासक हैं वो सात्व, जो गणपति के उपासक हैं वो गणपत्य, सूर्य के उपासक हैं वो सौर्य कहलाए। तो पंचदेवों की उपासना की पद्धति अलग अलग ढंग से चली, परंतु मूल रूप में देखा जाए तो तत्व एक ही है, उसमें मूलतः कोई भेद नहीं है। हमारे यहां रोटी में कितने भेद होते हैं, ये मिस्सी की रोटी है, ये चने की रोटी है, ये गेहूं की रोटी है, ये बाजरे की रोटी है, कितनी प्रकार की रोटियां हैं। और वैसे भोजन में चलो साहब हमारे यहां तो भोजन रोटी बनाई गई है, अब रोटी खाने के लिए आए हैं पर रोटी कौन सी पसंद आए, कितने प्रकार की रोटियां में भी, हमारे यहां तो 56 भोग का स्वरूप है, जहां स्वाद आवे वहां भोजन कीजिए, केवल पेट मत भरिए, स्वाद ले ले करके तृप्त होइए। अब जिनके यहां दाल रोटी के अलावा दूसरा कोई माल ही नहीं मिलता, तो फिर उनको स्वाद आवे ना आवे, मन लगे ना लगे, पेट तो भरना ही भरना है। तो और कहीं इतना इतनी वैरायटियां नहीं मिलेंगी पकवान की जो अपने यहां है, चपची के अनुसार अनेक हो गए जाते हैं, और ना ज्यादा बिलासी बनाने की जरूरत है, बहुत भोगोगे तो भोगी बन जाओगे, बहुत तपाओगे तो परेशानी कष्ट का अनुभव करोगे, इसलिए सहजता से जो सुलभ हो मध्यम मार्ग, ना बहुत सोना ठीक है ना बहुत जगना ठीक है, जब नींद आवे प्रेम से सो भी लो, परंतु सोते ही रहोगे तो आलसी प्रमादी बन जाओगे, मध्यम मार्ग गीता के अनुसार गोविंद ने दिया है। परंतु उस तत्व को जानो, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि उसको जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि स्वरे, उसको जानते ही संशय भ्रम सब मिट जाते हैं, कर्म बंधन सब खुल जाते हैं, और जितने भी ग्रंथियां हैं अज्ञान की वो सब समाप्त हो जाती हैं, और ये मनुष्य जीवन में ही संभव हो सकता है, इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य उस परम तत्व को जानने में ही केंद्रित होना चाहिए।